दुनिया में लड़ाई हमेशा लड़के जीती जाती थी और दुश्मन को हराया जाता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, लड़ाई लड़ने और दुश्मन को हराने के तरीके भी बदल गए हैं। बिना लड़े दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है, उस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 3 असूल समझने पड़ेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम सब में से कोई स्टडी करता होगा, कोई जॉब करता होगा, तो कोई बिजनेस करता होगा। हम कोई भी काम करें, हमें हर जगह कंपटीशन और इसी कंपटीशन को लेके दुश्मन और हेटर्स लाजमी मिलते हैं, जो हमेशा हमें नीचा दिखाने और हमारा सुकून खराब करने की ताड़ में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से हर वक्त लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उनसे लड़े बगैर उनको हराया जरूर जा सकता है। सबसे पहला असूल, हमेशा पुरसकून रहो, पैनिक न करो, बेचैनी न दिखाओ, अपने आप को अपसेट शो न करो। अगर अपसेट हो तब भी दुश्मन के सामने पुरसकून रहो, पुरइत्मीनान रहो, अपने दुश्मन के सामने अपसेट न होना। अगर अपसेट होगे तो दुश्मन समझ जाएगा कि वो तुम्हें मजीद अपसेट कर सकता है और वो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिएक्शन समझ के उसका फायदा उठा जाएगा, क्योंकि दुश्मन हो या शिकारी, हमेशा वो अपने शिकार के एक्सपेक्टेड रिएक्शन को नजर में रखते हुए हमला करता है। एक शेर हमला करते हुए जानता है कि उसका शिकार किस तरफ भागेगा। इसीलिए अगर तुम अपने दुश्मन के सामने पुरसकून ना रहे तो वो समझ जाएगा कि तुम किस बात पे पैनिक करते हो, किस बात पे तुम अपने होश खो बैठोगे, कैसे तुम हौसला हारोगे। हमेशा पुरसकून रहो, पुरइत्मीनान रहो, ताकि दुश्मन समझ जाए कि वो तुम्हें पैनिक नहीं करवा सकेगा, वो तुमसे कोई गलती नहीं करवा पाएगा। दूसरा असूल, हमेशा अपने दुश्मन की आंख से आंख मिला के रखो, किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। अगली दफा अगर कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो उसकी आंख में आंख डाल के उसे आंसर करना, इससे आप में मजीद कॉन्फिडेंस आएगा और दुश्मन अगली बार आप पे वार करने से पहले कई बार सोचेगा। दुश्मन की आंख से आंख मिला के अगर स्माइल कर दोगे तो ये मजीद इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि दुश्मन तुम्हारा ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो तो तुम्हें अपसेट देखना चाहता था, ये उसे तोड़ के रख देगा। तीसरा असूल, दुश्मन को नीचा दिखाने की बजाय अपने आप को ऊंचा करो, बड़ा आदमी बन के तरक्की करके उन्हें मायूस कर दो। एक दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि तुम खुशहाल जिंदगी जियो और कामयाब हो जाओ, इसलिए तुम्हारी कामयाबी अपने आप तुम्हारे दुश्मन को हरा देगी। सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने और तरक्की करने का सोचो। जैसे जैसे तरक्की करोगे, दुश्मन अपने आप नीचे जाता जाएगा। दोस्तों, ये असूल हमेशा याद रखना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।